राधे राधे गुरु जी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। बस आज हम देखेंगे ऐसे धर्म के ठेकेदार को जो अपने ज्ञान से कम और बकचोदी से ज्यादा फेमस है सोशल मीडिया पे। बाबा जी बहुत फेमस है, सच में फेमस है। तू कब फेमस होगा? मीम्स बनके। बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। आप कहाँ थे ज्ञानी? वैसे तो बाबा हमारे हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, जय श्री राम। लेकिन लेकिन यहाँ पे किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट कॉमेडी कॉमेडी। सो वेलकम टू मनोरंजन का पिटारा। चलो वापस आते हैं अपने रंगीले बाबा पे। बाबा जी का नाम है अनुराधाचार्य जी, जो कि गौरी गोपाल आश्रम के संस्थापक हैं और सोशल मीडिया पे इनके 14 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। सारे चिल्लू और पानी में डूब मर, तेरे कितने हैं? सब्सक्राइबर के साथ साथ बाबा जी में बहुत सारे टैलेंट हैं, लाइक क्रिकेट खेलना। खेलने आता है वैसे भी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्रिकेट के साथ साथ बाबा जी स्लाइडिंग भी करते हैं। अरे बस बस भैया जमीन पर। और बाबा जी हमारे जमीन से इतना ज्यादा जुड़े हैं कि खुद स्वयं खेती करते हैं। और मेरे देश में काम करते करते किसानों की गांडी फटी जा रही, लेकिन बाबा जी के जूते बराबर चमक रहे हैं। बाबा जी खेती तो ठीक है, लेकिन आपके जो व्हाइट शूज हैं इतना ज्यादा चमक क्यों रहे हैं? ये सब मिलके हमको पागल बना रहे हैं हबीबी। गाइस देख रहे हो, बाबा जी के जूते में 1% भी मिट्टी नहीं लगी और बाबा जी खेती कर रहे हैं। ये रॉन्ग नंबर है भाई। ये सब देख के पता चलता है कि ये वीडियो रियल नहीं है, रील्स के लिए बनाया जा रहा है। और बाबा जी का मैथमेटिक्स तो ऐसा है जैसे अभी अभी उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस का पेपर निकाल के आ रहे हैं। 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? आप जोड़ना है, घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो, माइनस नहीं करो। 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? जोड़ना है, प्लस करना है, ना कि माइनस। क्या जुड़ जाएगा? हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, आ की मात्रा जुड़ जाएगी। वाह बाबा जी वाह, बाबा जी वाह। 70 में क्या जोड़े 17 हो जाए? भाई 70 और 17 का तो पता नहीं, लेकिन बाबा जी ने जो इतने लाखों की भीड़ जमा करके रखी है उनके दिमाग को जरूर खतरा है। खतरा खतरा खतरा। बाबा जी की उम्र से 70 माइनस कर दो, जो आंसर आएगा बाबा जी उस उम्र की बचकानी हरकतें कर रहे हैं। हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, आ की मात्रा जुड़ जाएगी। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती। लोग छोड़ो, बाबा जी की मैथमेटिक्स जिसको समझ में आई हो वो बाबा जी का ले सकते हैं ज्ञान। इतने सारे देश हैं पर सबसे पहले सूर्योदय सिर्फ भारत में होता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए, वो भी कन्याकुमारी में। बाबा जी ने ये बड़ी अच्छी बात बताई है कि भारत में सूर्योदय सबसे पहले कन्याकुमारी में होता है, लेकिन हमारे गूगल देवता कुछ अलग ही बता रहे हैं। यार बाबा जी से कुछ सीखने को मिले ना मिले, ये जरूर सीखने को मिलता है कि अपनी बात से पलटना कैसे है। यार इतनी तेज तो हमारे यहाँ के नेता जीतने के बाद भी नहीं पलटते जितनी तेज बाबा जी पलट रहे हैं। सूर्योदय पहले कहाँ उगता है? तो सबसे पहले भारत में इस क्षेत्र में, नागालैंड इत्यादि, मिजोरम इत्यादि में, पूर्वी क्षेत्र है ना वो, इसलिए उस तरफ सबसे पहला सूर्योदय होता है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल। कन्याकुमारी के बाद बाबा जी कह रहे हैं भारत में सूर्योदय सबसे पहले नागालैंड में होता है। आ बाबा जी वाह, बाबा जी वाह। इतनी तेज भ्रष्टाचार तो हमारे के नेता भी नहीं फैला रहे हैं जितनी तेज बाबा जी भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। और रही सूर्योदय की बात, तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के देकर नामक गांव में होता है। इससे ये साबित होता है न नागालैंड न कन्याकुमारी बाबा जी के नॉलेज को है भयंकर बीमारी। एक तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन तैयार होती है, पता? घी जलाने से ऑक्सीजन तैयार होता है? अरे बाबा जी कहाँ थे अभी तक आप? कार 5 साल पहले बता दिया होता, कोरोना के टाइम पर जो हमारे भाई बंधु भगवान को प्यारे हो गए उनको ऑक्सीजन मिल जाती लिटरली। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। बाबा जी क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सच बताइए बाबा आप कौन सा वाला फूक के आए हो? घी का ही दीपक जलाना चाहिए। तो फिर से पी के आया पांडुरंगा इस घर में? बता तो क्या पी के आया है? बाबा जी ने तो लिटरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास की माँ बहन एक कर दी। एक तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन तैयार होता है। 10 ग्राम में 1 टन ऑक्सीजन। भाई ये सब सुनने के बाद मैं डिप्रेशन में चला गया। कोची में है? डिप्रेशन में सर। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। और अब आप लोगों को भी ये मनोरंजन का पिटारा पसंद आया हो जो कि पहली बार खुला है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ तबाह के शेयर करो। जय श्री राम।